हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आई एम सोनम चौधरी और मैं आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है चौधरी प्रीतम सिंह पब्लिक स्कूल 4067। देखिए बच्चों, पहले सभी को मैं आज आप सभी को ऑल द बेस्ट कहना चाहती हूँ, बिकॉज आज से 15 फेब से स्टार्ट हो चुके हैं हमारे क्या बोर्ड के एग्जामिनेशंस 10th और 12th सभी के लिए। तो आज का जो मेरी वीडियो बनाने का मेन पर्पस ये रहेगा कि आप लोगों को जो हमारा किस तरह से आप लोगों की जो फिल करना होगा, जो आपकी कॉपी है, जो बबल्स दिए गए हैं, देखिए ये जो हमारी, देखिए पहले आप सबसे अच्छे से देखिए, ये जो हमारा कॉपी है उसका ये फ्रंट पेज है, किस तरह से आएगा, आपको क्या फिल करना है, किस तरह से करना है, इसमें आप कोई मिस्टेक तो नहीं करेंगे। तो सभी बच्चे इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखें, बहुत ही ध्यान से देखें, अच्छे से देखें। कोई भी आपको इससे रिगार्डिंग कोई ऐसी प्रॉब्लम हो रही है तो आप अपने सब्जेक्ट टीचर से बात करें, अपने क्लास टीचर से बात करिए। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को, सो लेट्स स्टार्ट। देखिए सबसे पहले आप लोगों को इस तरह का जो बोर्ड एग्जामिनेशन से वहाँ पर जाओगे, इस तरह की कॉपी आप लोगों को मिलेगी, उसमें 48 समथिंग पेजेस होते हैं और उनको आपको बहुत अच्छे से फिल करनी है। सबसे पहले मैं आपको इस कॉपी को फिल करने से पहले एक चीज़ बता देना चाहती हूँ कि आपको बोर्ड एग्ज़ाम में क्या लेकर के जाना है और क्या नहीं लेकर के जाना है। देखिए यहाँ पे मैंने लिस्ट बनाई हुई है, इंस्ट्रक्शन ये होंगे उन कैंडिडेट्स के लिए कि आपको क्या यूज़ करना है क्या नहीं। सबसे पहले हम लोग बहुत गलती कर देते हैं, देखिए 12th वालों को तो कोई परेशानी नहीं होगी क्योंकि उन्होंने 10th में बोर्ड किया हुआ है, लेकिन जो बच्चे हमारे 10th में गए हैं, आए हैं, जो फर्स्ट टाइम बोर्ड देंगे, तो डेफिनेटली उनके सामने बहुत सारे कुछ कन्फ्यूजन्स होगी, कन्फ्यूज होंगे क्या यूज़ करें क्या ना करें। तो आप लोग प्लीज़ एक बार देख लीजिएगा इंस्ट्रक्शन टू कैंडिडेट। सबसे पहले आपको देखना है कि डोंट यूज़ द ब्लैक पेन, आपको वहाँ पर ब्लैक पेन यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना है, लेकर ही नहीं जाना है किसी भी, ना हेडिंग में कुछ भी नहीं। सेकेंड देखना है, डोंट यूज़ द फ्लोट, आप अगर आपका कोई क्वेश्चन गलत हो जाता है आप फ्लोट का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करोगे, लेकर के आपको नहीं जाना है। थर्ड इंस्ट्रक्शंस देखिए, यूज़ ओनली ब्लू पेन, आपको केवल ब्लू पेन यूज़ करना है। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि बहुत सारे हमारे क्वेश्चंस ऐसे हो जाते हैं जिसमें हमें हेडिंग डालनी होती है, फॉर हेडिंग यानी हेडिंग के लिए रॉयल ब्लू पेन आप उसका यूज़ कर सकते हैं, जो थोड़ा डार्क होता है, मोटा होता है हेडिंग के लिए, क्लियर। उसके बाद में आपको लेकर के क्या जाना है, अपनी एक ट्रांसपेरेंसी किट लेकर के जानी है, जिसमें आपके पेन, पेंसिल, इरेजर, शॉर्पनर, सारी चीज़ें ये उसमें रखी हुई होगी, जैसे भी आपको अच्छा लगे, लेकिन आपको कोई भी ऐसी चीज़ें नहीं लेकर के जानी है। ओरिजिनल आपको एडमिट कार्ड लेकर के जाना होगा, जिस पे हमारे स्कूल की कोई भी स्कूल होगा उसकी स्टैम्प लगी होगी, विद सिग्नेचर होंगे प्रिंसिपल सर के। साथ में आपको आपका आई कार्ड चाहिएगा, मैंडेटरी है, स्कूल यूनिफॉर्म में ही आप लोगों को जाना होगा, विदाउट यूनिफॉर्म आप वहाँ पर एंटर नहीं कर सकते, ना ही वो आपको हॉल में एंट्री देंगे। सो प्लीज़ ऐसी गलती ना करें क्योंकि फिर इसमें परेशानी हो जाती है। और कोई भी हमें डोंट यूज़ द अनफेयर थिंग्स, कोई भी हमें उसमें अनफेयर थिंग्स को अपने साथ लेकर के नहीं जाना है, कि अनफेयर थिंग्स में क्या आ जाएगा, कोई भी हमारी जैसे आयरन की कोई चीज़ें होती है, या फिर आपका मोबाइल फ़ोन हो गया, कैलकुलेटर हो गया, कोई हमारी कागज़ की चिट होती है, समथिंग कुछ भी ऐसी चीज़ें होंगी। तो ये जो सारी चीज़ें बताई गई थी, ये सारी चीज़ें वो हैं जो आपको लेकर के बिल्कुल भी नहीं जानी है। तो चलिए अब आप जल्दी से देख लीजिए क्या हमारा जो फर्स्ट पेज आएगा वो किस तरह से आप लोगों को फिल करना होगा, क्या क्या इसमें दिए गए हैं, किस तरह से आप लोग इसमें फिल करोगे, चलिए आइए देखते हैं। देखिए सबसे पहले इसमें दिया गया है आपको, इसमें विद ग्राफ पेपर, ये तो आपको देखना नहीं है, पढ़ लेना लेकिन इसको बहुत अच्छे से। सबसे पहले इसमें विषय दिया गया होगा, विषय में क्या है आपका, जैसे हमारे स्कूल का कल मार्केट एंड सेल्स है, फर्स्ट पेपर है, तो आपको बहुत अच्छे से साफ साफ लिखना है मार्केटिंग एंड सेल्स। सेकेंड में देखिए उसका कोड पूछा गया है, सब्जेक्ट कोड, सब्जेक्ट कोड में आप देंगे 412, मार्केट एंड सेल्स का कोड है। उसके बाद परीक्षा का दिन है, तिथि, यानी कि जो डे और डेट होती है ना परीक्षा की, फ्राइडे, और साथ में उसके आप उसकी डेट भी दे देंगे। यहाँ पर हमारे स्कूल के सभी बच्चों को, जिस स्कूल का माध्यम मीडियम हिंदी है वो हिंदी डालेगा, लेकिन CPS पब्लिक स्कूल का जो मीडियम है वो इंग्लिश है, तो आपको यहाँ पर इंग्लिश ही फिल करना है, हिंदी कोई भी बच्चा फिल ना करे। इसके बाद में जो नेक्स्ट कॉलम दिया गया है, राइट, जो कोड नंबर है, ये आपको तब भरना होगा, फिल करना होगा जब आपके पास आपका पेपर आ जाएगा, यानी उसका जो कोड नंबर है, साथ में जो सेट नंबर होगा,
इसमें और सेट नंबर में जैसे हमारे पास कोई सेट 1, 2, 3 आ रहा है तो ये बबल्स में आप लोग बिल्कुल इसको क्या करोगे, सर्कल करोगे बिल्कुल सफाई से, अच्छे अच्छे से। ब्लू पेन का यूज़ करना है, बार बार इंस्ट्रक्ट किया जा रहा है, आप ब्लैक पेन का यूज़ बिल्कुल नहीं करोगे। आफ्टर दैट इसमें देखिए, कोई भी बच्चा अगर हमारी फर्स्ट कॉपी उसकी पूरी भर जाती है और सेकेंड कॉपी वो बी कॉपी लेना चाहता है तो यहाँ पर लिखा हुआ है सप्लीमेंट्री आंसर बुक, अगर कोई बच्चा ले रहा है तो आप उसको इसमें यस करोगे, नहीं ले रहा है फिलहाल आप उसको ब्लैंक छोड़ दोगे। जो भी आपका सेंटर जहाँ भी गया हुआ है वो जो टीचर होंगे वो आपको बताएंगे इसमें आपको डैश करना है नो करना है, उनकी जैसे भी उनको अच्छा लगेगा। उसके बाद में नेक्स्ट देखिए, इसमें दिया गया है जो हमारे विकलांग व्यक्ति होते हैं, हैंडीकैप है उनके लिए, यानी कि हमारे स्कूल में कोई ऐसी नहीं होगा, अगर है कोई बच्चा अगर ऐसा है विकलांग है किसी भी रूप से तो उसमें इसको यस करेगा, अदरवाइज आप इसमें नो करोगे। इसी के लिए जो डिसेबिलिटी कोड दिया गया है उसके लिए भी इसमें नो करोगे क्योंकि हमारे स्कूल से कोई नहीं है, और अगर है होता है तो आप उसको डेफिनेटली यस कर दीजिएगा। नेक्स्ट उसके लिए वो बोल रहा है कि कोई भी ऐसा है जो जिसके लिए हमारा डिसेबिलिटी जो कैंडिडेट है उसके लिए हमारा राइटर प्रोवाइड कराया गया है, इसमें भी आप नो डालोगे। हमारे स्कूल के बच्चे सीप चौधरी प्रीतम सिंह पब्लिक स्कूल, आप बहुत ध्यान से देख लीजिएगा कोई गड़बड़ ना करे, मोस्टली सभी के लिए है ये वीडियो, डेफिनेटली बहुत ही लास्ट तक देखें, आप लोगों के लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाली है। नेक्स्ट देखिए, इसमें बोला गया है कि जो कोई हमारा जो दृष्टिहीन व्यक्ति होते हैं, ये जो हमारे विजुअली जो चेंज होते हैं व्यक्ति, उनके लिए इसमें भी आप लोग नो करेंगे और यहाँ तक आप इसमें ब्लैंक छोड़ दोगे और इसमें कुछ नहीं करना। नेक्स्ट चलिए अब देखते हैं हमें हमारे जो रोल नंबर होगा ये सबसे मेन है, ये बबल्स आपको बहुत ध्यान से फिल करना है। चलिए आइए देखते हैं, इसमें लिखा गया है जो हमारा कैंडिडेट है नेम इन कैपिटल लेटर्स, कैपिटल लेटर्स में आप उसको नेम डालोगे, जैसे माय नेम इज़ सोनम चौधरी तो SONAM, फिर एक आप लोग इसमें बॉक्स को ब्लैंक छोड़ दोगे एंड आफ्टर दैट जो भी आप लोग अपना सरनेम पीछे लगाते हो, शर्मा है चौधरी है कुछ भी लगा रहे हो तो आप उसके पीछे ये कर दोगे, जैसे मैंने डाल दिया CHOUDHARY, ठीक है। उसके बाद में आप इसमें देखिए क्या कि हमारा एस के जो कॉलम है उसका जो बबल्स है वो कहाँ पर है, ये रहा हमारा एस तो हमने इसको क्या कर दिया, सर्कल कर दिया। उसके बाद में ओ वाले को देखेंगे, ओ को सर्कल कर दिया। उसके बाद हमने नेक्स्ट देखा एन, एन को सर्कल कर दिया, ए, ए को सर्कल कर दिया, एम, एम को सर्कल कर दिया। उसके बाद में हमें वन बॉक्स सरनेम से पहले ब्लैंक छोड़ना है एंड आफ्टर दैट आपको अपने सरनेम के साथ में ऐसे ही करना। तो इस तरह से आप सभी को अपने ये जो हमारे नेम दिए गए हैं इस तरह से बबल्स में करोगे। उसके बाद आ जाता है हमारा रोल नंबर, इसमें कोई मेरा ये रोल नंबर है नहीं, मैं बोर्ड की एग्ज़ाम कोई नहीं दे रही हूँ, मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए मैंने अपनी तरफ से एक रोल नंबर लिख दिया है और इस तरह से आपको रोल नंबर इसमें डालना है। ये रोल नंबर में कोई भी आपका इतने ही अंकों का डिजिट का रोल नंबर आएगा, कोई भी आप लोगों को जो बॉक्स है ब्लैंक नहीं छोड़ना होगा, उसमें काउंट कर लेना, ओके। तो इस तरह से हमने क्या कर दिया, जैसे हमारा 2172335 है तो इसी वाली लाइन में हम पहले पहले 2 आफ्टर दैट 1 उसके बाद में बबल करेंगे 7 2 उसके बाद बबल करेंगे 3 उसके बाद फिर बबल 3 6 एंड देन 5। इसके बाद हमारा नीचे आता है हमारा कोड, यानी कि जो जिसका भी आप लोगों को डेट के वाइज अकॉर्डिंग आपका पेपर होगा उसका कोड क्या है सब्जेक्ट का। मैं आपको मार्केट एंड सेल्स के बारे में बता रही हूँ तो दैट्स वाई इसका जो कोड है 412 है, कोड फिल करोगे। ये आपको सेंटर नंबर डालना है, सेंटर नंबर होगा जहाँ पर आपका सेंटर गया हुआ है हमारे स्कूल का, जैसे आपको BIT में जा रहे हो तो BIT का सेंटर नंबर आप लोगों को यहाँ से यहाँ पर डालना होगा। और इसी तरह बबल्स में डालना होगा, एक भी बबल आप प्लीज़ गलत नहीं करोगे, फ्लूड का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना है, ओके, बहुत ध्यान से करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट नीचे आते हैं, इसमें लिखा गया है इसका सब्जेक्ट यानी विषय क्या है, मार्केट एंड सेल्स, इसका हमारा जो हमारा आपका स्कूल का कोड नंबर क्या है, स्कूल कोड, हमारे स्कूल का कोड होगा जैसे 60801 या किसी भी स्कूल का कोड जो भी होगा आप इसमें ये चीज़ें फिल करोगे। इस कॉलम को देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉलम है, इसमें दिया गया है आपको इनवर्स रोल नंबर लिखना होगा। सपोज दैट आपका ये वाला रोल नंबर है, इसमें आप काउंट कर लीजिए इस तरह से 1s, 10s, 100s, 1000s, 10000s, 10 lakh, 10 lakh करो, तो इसमें जो है हमारा ये करोड़ वगैरह दिए गए हैं आपको, ओनली 2 crore 17 lakh 23000, ये 1000 तक ही दिया जाएगा और उसके बाद में आपको 365 जैसे हमारा दिया गया है इसी तरह से मैंने इसको फिल कर दिया है।
उसके बाद में दिया गया है जो आपके फादर्स नेम होंगे एक्स वाई जेड, कुछ भी आपके पापा का नाम है आप वो लिखिए। आफ्टर दैट आपको इसमें कैंडिडेट के सिग्नेचर रनिंग में करना है। इसके बाद आपको इसमें कुछ भी नहीं छेड़ना होगा। सब कुछ मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से समझा दिया है। कोई भी अगर बच्चा ऐसा है जिसको ना समझ आया हो तो डेफिनेटली आप कॉल कर लीजिएगा, पूछ लीजिएगा अपने क्लास टीचर से, अपने सब्जेक्ट टीचर से। एक बार मैं आप लोगों को बेटा एक चीज़ और दिखा देना चाहती हूँ। अभी वीडियो क्लोज़ नहीं करना कि मैम ने तो बंद कर दिया इसको, मतलब अब ऐसे क्लोज़ कर दो, नो। एक चीज़ है बहुत मैंडेटरी है, बहुत सारे जो हमारे फर्स्ट टाइम बोर्ड दे रहे हैं तो डेफिनेटली उनको प्रॉब्लम होने वाली है। देखिए ये जो हमारा आपका एडमिट कार्ड होगा, सेंटर नंबर कहाँ से ढूंढोगे, इसमें देखना आपका ये हमारा सेंटर जो नंबर है ये वाला दिया गया है यहाँ पर, ये हमारा सेंटर नंबर है। और आप यहाँ से किसी भी एडमिट कार्ड में सेंटर नंबर सर्च कर सकते हो। स्कूल कोड आप लोगों का, ये स्कूल नंबर जो है ये हमारा स्कूल कोड होता है, ये डालेंगे। इसके बाद में ये आपका क्या हो जाता है, ये आपकी DOB जैसे दी गई है या कुछ भी होगी आपकी, आप अपनी DOB देख लीजिएगा, ये आपका रोल नंबर होगा यहाँ पर। तो कोई भी बच्चा बिल्कुल भी कन्फ्यूज ना हो। इसमें देखिए आपकी ये डेट शीट दी गई है मार्केट एंड सेल्स का, जैसे कब है, आपको बिल्कुल भी इसमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और इसी तरह से आपका 12th का होगा, ये रहा 12th का, ये भी इसी तरह से आपका सेंटर नंबर है, स्कूल आपका कोड हो चुका है, DOB दी नहीं है इसमें, और रोल नंबर आपका ये होगा। कभी वहाँ पर जाकर आप लोग कहाँ से हम कोड ढूँढे, क्या कोड होगा, टीचर से पूछे, इस वीडियो को लास्ट तक बिल्कुल देख करके जाना। एंड आई एम डेफिनेटली श्योर कि ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाली है। सो गाइज़ मैं आपको एक बार फिर से वंस अगेन ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। बेटा बहुत अच्छे से करना है, कोई भी डाउट है कुछ भी है आप लोग बिल्कुल टीचर से पूछ सकते हैं। क्या क्या चीज़ें आपको लेकर के नहीं जानी है वो मैंने आपको पहले ही बता दिया था। ब्लैक पेन का आप लोग यूज़ बिल्कुल भी नहीं करोगे, फ्लूड का यूज़ बिल्कुल नहीं करना है, यूज़ ओनली ब्लू पेन। हेडिंग के लिए आप रॉयल ब्लू पेन का यूज़ करोगे। ट्रांसपेरेंसी किट को लेकर के जाना है, ओरिजिनल एडमिट कार्ड लेकर के जाना है, आई कार्ड हो गया, स्कूल यूनिफॉर्म में आप जाओगे, और कुछ भी अनफेयर थिंग्स हॉल के अंदर नहीं लेकर के जानी है। एंड मेक द डिसिप्लिन, आप लोग पूरे डिसिप्लिन के साथ पे वहाँ पर रहोगे, बहुत अच्छे से कूल माइंड से अपना पेपर देना। और बस एट द लास्ट, बहुत लंबी आई थिंक वीडियो हो चुकी है, तो प्लीज़ सभी देखना, बहुत हेल्पफुल रहेगी, कल जा करके फिर आप लोग बिल्कुल भी परेशान नहीं होंगे। सो टेक केयर, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कॉमेंट कर दीजिएगा किस तरह की वीडियो आपको चाहिएगी। ओके, थैंक यू।